In this section, I will explain the concept of arbitrage pricing model. So, we use different types of models to price a financial instrument. Um, we have earlier discussed the concept of capital asset pricing model, which is also known as CAPM. We, we financial instrument the price of financial instrument. there is another model, which was developed by Stephen Ross in 1970s, जो कि एक्सप्लेन करता है कि हम uh, किस तरह से किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस को डिटर्मिन कर सकते हैं एंड दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम कैपेम कैपेम में हम मार्केट इंडेक्स की रिस्क फ्री रिटर्न को मार्केट इंडेक्स की वैल्यूज़ को लेते हैं लेकिन यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को काउंट फॉर करते हैं और वी डिटर्मिन के किस तरह से दी सिस्टमेटिक फैक्टर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लक्चुएशंस इन द ओवरऑल प्राइसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट जो जिसकी हम बात जिसकी हम प्राइस को डिटर्मिन करना चाहते हैं तो so बेसिकली हम एसेट की या पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटीज टू दीज फैक्टर्स जिसको हम सिस्टमेटिक फैक्टर्स अकाउंट फॉर करें या कह रहे हैं उनको हम असेस करते हैं इस मॉडल में बेसिकली uh, ये जो थेरी है एसेट प्राइसिंग मॉडल की वो डिफ़ाइन करके देती है कि अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है जिसमें मुतद तरह के आपने एसेट्स को इंक्लूड किया है पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द इन्वेस्टर इज़ टू टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बाई कंसिडरिंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और वो उसको उस परस्पेक्टिव से डाइवर्सीफाई करता है और इसमें हम जो असर देखते हैं कीमत को तयन करने के लिए Uh, जो कि एलिमेंट्स हैं वो हमारे कुछ सिस्टमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स uh, uh, समझे जाते हैं कि और ए uh, में हम बेसिक एजम्प्शन ये लगा रहे हैं कि किसी भी इकानमी uh, में किसी भी मुल्क में uh, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर सेल परचेज हो रहा है उसकी जो कीमत होगी वो असरानंदाज होती है उस इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम इस मॉडल में कंसिडर करते हैं दे इंक्लूड इन्फ्लेशन की वैल्यू क्या होगी दे ऑल्सो इंक्लूड के आपका जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कितना है uh, उसमें हम रिस्क प्रीमियम्स को अकाउंट फॉर करते हैं और एक और जो अहम चीज़ हम इसमें इस इस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट सो दीज आर द फोर की सिस्टमेटिक फैक्टर्स या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डेट दैट आर अकाउंटेड फॉर इन ए पी टी टू कैलकुलेट और टू डिटर्मिन द प्राइस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो ए पी टी के अंदर हम इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन फैक्टर्स की वैल्यूज़ की चेंजेस हमारे प्राइस को इन्फ्लूंस कर सकती हैं और किस तरह से हम अपने uh, How can we, uh, by considering the values of these particular macroeconomic variables, how can the value of a certain specific financial instrument be determined?